हाय गाइस, वेलकम बैक। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SE18 अपडेट नॉट शोइंग प्रॉब्लम को हम कैसे फिक्स कर सकते हैं। बहुत से यूज़र्स को SE18 का अपडेट शो नहीं हो पाता है। कुछ उसके पीछे कारण होते हैं जिनके कारण उन्होंने या कुछ गलत सेटिंग्स को ऑन करा होता है या उनका जो डिवाइस है वो SE18 के अपडेट के लिए कंपेटिबल नहीं रहता है। सो वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कैसे आप SE18 के अपडेट को अपने किसी भी डिवाइस में कैसे शो कर सकते हो। सो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ ऐसी सेटिंग्स के बारे में पता होना चाहिए जो कि अपडेट को शो करने में आपकी हेल्प करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर जनरल पे जाना है। सॉफ्टवेयर अपडेट्स में जाओगे तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक अपडेट्स के ऊपर जाना है। मेक श्योर रखें कि आपकी ये तीनों सेटिंग्स ऑन होनी चाहिए। उसके बाद आपको वाईफाई को यूज़ कर लेना है। उसके बाद इन तीनों सेटिंग्स को ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको जाना है डेटा एंड टाइम पे। तो जैसे यहाँ पर डेट एंड टाइम पे शिफ्ट करोगे तो आपकी जो सेट ऑटोमेटिकली का जो ऑप्शन है वो ऑन होना चाहिए। जैसे ही आप इस ऑप्शन को ऑन करोगे, इसके साथ क्या होगा, जब iOS 18 का अपडेट ऑफिशियली एप्पल रिलीज़ करेगा तो आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स में ये जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सो आज की डेट है 7th of September, तो आपको iOS 18 का अपडेट 9th of September को देखने को मिलेगा जो कि RC अपडेट है। तो RC अपडेट और स्टेबल अपडेट दोनों सेम ही होते हैं। बस फ़र्क इतना है कि जो RC अपडेट है उसका अपडेट का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है एज़ कंपेरेटिवली जो स्टेबल अपडेट होता है। तो यही बस फ़र्क है, बाकी फीचर्स सेम टू सेम है। बस यहाँ पर साइज़ का डिफरेंस रहता है दोनों अपडेट्स में। आप दोनों में से किसी को भी प्रेफर कर सकते हो। उसके बाद सेकेंड जो चीज़ रहती है वो आपके आईफोन की स्टोरेज। आपके पास तकरीबन 20 से लेकर 30 GB अवेलेबल फ्री स्पेस होनी चाहिए ताकि इजीली आपको ये अपडेट शो हो जाए। बहुत से यूजर्स ऐसे होते हैं जिनको अपडेट शो तो हो जाता है बट उनके पास अवेलेबल फ्री स्पेस नहीं होती है, जिनके कारण वो अपडेट को डाउनलोड नहीं कर पाते अपने डिवाइसेस पे। तो इसलिए आपको फ्री करनी पड़ेगी कुछ स्पेस अपने डिवाइस पे। और उसके बाद गाइज आपको बैटरी हेल्थ को अगर ड्रॉप नहीं करवाना है अपने डिवाइस की तो आपको पहले ही अपने डिवाइस को 90% या 100% चार्ज कर लेना है, फिर आपको डाउनलोड के ऊपर टैप करना है अपडेट पे। तो उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशंस को भी अप टू डेट रखना है अपडेट से पहले, और अपने डिवाइस का एक स्ट्रॉन्ग बैकअप क्रिएट करना है। आई क्लाउड में जाकर सिंपली आपको आई क्लाउड में आपको बैकअप को ऑन करना है। यहाँ पर बैकअप ऑन का ऑप्शन दिया गया है तो आप यहाँ से अपने बैकअप को ऑन कर सकते हो। उसके बाद जैसे यहाँ पर इन सभी स्टेप्स को फॉलो कर लेते हो तो जैसे एप्पल रिलीज़ करता है SE18 का अपडेट 9th of September को, तो वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आपको स्वाइप अप करना है और आपको यहाँ पर RC अपडेट सेलेक्ट करना है पब्लिक बीटा को, और यहाँ पर ये अपडेट आपको शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप RC अपडेट को भी इंस्टॉल कर सकते हो और स्टेबल अपडेट को भी इंस्टॉल कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।